उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशाला ऑन के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कुछ होटल या धर्मशालाओं में बिना पहचान पत्र दिए कमरा किराए पर ले लेते हैं और फिर मौका मिलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिस कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और इसके तहत ही डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वो बिना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के किसी भी व्यक्ति को कमरा किराए पर ना दें, साथ ही साथ आने वाले लोगों का फोन नंबर भी पंजीकृत कर लें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। जब भी किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि लोगों ने आके दो तीन जगह की रखी थी। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला एक दो जगह ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए, अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में आसानी हो।